तो उन्होंने उनसे पूछना चाहा कि भाई मैंने क्या गलती की, लेकिन क्योंकि उनका मकाम ऐसा था जुबान अंग हो नहीं पूछ सके, लेकिन बाद में ये बात उनके अंदर बाप ने ये बात बताई गई कि तुमने उस गुलाम को जो थप्पड़ मारा था वो सैयद ज़ादा था। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे आपसे खफा हो, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अपने खानदान की नस्बत रखने वाले हर बंदे पे होती है। तो हमारा क्या मकाम है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बत की वजह से उनकी इज्जत करें, कहीं ना कहीं देखो इसलिए धोखे सदा तो ये नमाज नहीं पढ़ता, ये करता है, मामला ठीक है नहीं। मौलाना अशरफ खान भी फरमाते हैं कि हजूर के नस्ब की वजह से उनका मकाम आई, इबादत की वजह से। तो अल्लाह ने हमें भी ये नस्बत अता की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, हम उम्मती हैं, तो उम्मती होने का हक हमें अदा करना है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को खुद भी सीखना, सिखाना, पिलाना और हर शोबा के उसूफ अहबाब को तक ये बात को पहुँचाना। सब इसकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे।